गाइस वेलकम टू इंडियन कोडिंग डॉट कॉम। तो ये देखिए, ये हमारा गेम जो है, तो ये जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो है तो ये कंप्लीट मतलब वर्क हो रहा है, हमने ये किया है। इसमें हमने म्यूजिक वगैरह भी ऐड किया है बैकग्राउंड में। देखिए जैसे प्ले करती हूँ मैं गेम, ये बैकग्राउंड म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। और ये जैसे ही कोलाइड होगा, ये हमने जो पॉपअप दिया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो ये वर्क कैसे कर रहा है वो हम देखते हैं। चलो आइए कोडिंग की तरफ अपने। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने फंक्शंस वगैरह सारे लिखे हुए थे यहाँ पे, और ये मैंने बाद में क्या ऐड किया था अपने, हमें ये फर्स्ट पार्ट हो गया अपना। सेकेंड पार्ट हम स्कोर जो है तो वो भी इंक्रीमेंट कर रहे थे, और स्नैक जो है तो इसको हमने मूव कर लिया था। देन हमने डिस्प्ले किया स्नैक को, उसके फूड को भी डिस्प्ले किया था। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको याद है हमने यहाँ पे इसमें पार्ट वन जो है अपडेट करते हैं, तो वहाँ पे हमने ईज कोलाइड नाम का फंक्शन लिखा था। तो अब ये फंक्शन जो है, तो ये फंक्शन कैसे वर्क करेगा, तो वो यहाँ पे देखिए, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है फंक्शन ईज कोलाइड स्नैक। तो ये क्या है, जब स्नैक है हमारा तो जैसे ही दीवार से टकरा जाता है तो वैसे वो गेम ओवर हो जाती है। ओके, और जब ओके पे क्लिक करेंगे तो फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर, और ये इस कोलाइड जो है, तो ये इफ यू बम्प इनटू योरसेल्फ, मतलब अगर स्नेक जो है हमारा, तो वो अगर खुद से टकरा जाता है तभी भी गेम ओवर हो जाएगी। और इफ यू बम्प टू योर वॉल, मतलब वो दीवार से टकरा जाता है तभी भी ये गेम जो है तो वो ओवर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने फॉर लूप लिखा है, लेट आई इक्वल्स टू वन, स्नेक एरे लेंथ आई को इंक्रीमेंट करेंगे, तो हमारा स्नेक जो है तो उसको हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। ओके, पर अगर आई एक्स पोजिशन, स्नेक का पोजिशन जो है तो वो, और स्नेक का हेड और स्नेक का टेल अगर मैच हो गया, या फिर वो स्नेक अपने बीच में अपने किसी भी बॉडी पार्ट को या खुद को वो टकरा गया, या उसका वाई कोऑर्डिनेट भी टकरा गया, तो वो रिटर्न ट्रू हो जाएगा और इस कोलाइड फंक्शन जो है तो वो रन होगा। और ईज कोलाइड फंक्शन रन होते ही यहाँ पे ये देखिए, हमने ईज कोलाइड फंक्शन जो यहाँ पे लिखा है तो वो रन होगा। और इसमें हमने क्या लिखा हुआ है कि ईज कोलाइड फंक्शन जैसे ही रन होता है वैसे हमारा गेम जो है तो वो ओवर हो जाता। सेम कंडीशन जो है तो वो वॉल से टकराने के लिए है। अभी हमारा ग्रिड जो है तो वो 18 रोज और 18 कॉलम का है, इसलिए हमने वॉल के जो कोऑर्डिनेट्स है तो वो 18 दिए है, मतलब एक्स का वैल्यू जो है स्नेक 0 ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन 18 हुआ, और स्नेक 0 ऑफ वाई ग्रेटर देन 18 हुआ, मतलब कॉलम और रो 18 18 वहां कहीं पे भी टकरा जाए तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और फिर से गेम जो है हमारा तो वो ओवर हो जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो फॉल्स होगा बाय डिफॉल्ट, मतलब जब तक वो टकरा नहीं जाता तब तक ये गेम जो है, ये लूप जो है तो वो चलता रहेगा दोनों के लिए भी। एक तो जब तक वो खुद से टकरा नहीं जाता, और दूसरा जब तक वो किसी दीवार से टकरा नहीं जाता तब तक ये गेम जो है तो वो चलता रहेगा। और जब भी ये टकरा गया तो ये कंडीशन जो है तो वो हमने यहाँ पे फॉल्स लिख दिया है, तो इसकी वजह से हमारा गेम जो है तो वो यहाँ पे ओवर हो जाएगा। ओके, और हमने क्या किया है, स्कोर जो है तो यहाँ पे हमने ये देखिए स्कोर वगैरह, हमने हाई स्कोर और ये सब सेट किया था, यहाँ पे इंक्रीमेंट वगैरह कर रहे थे, तो हम अपने मेन गेम का जो लॉजिक है तो वहां पे भी अपने हाई स्कोर को हम डिस्प्ले करेंगे। ओके, मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिया है, हाई स्कोर नाम का एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर रही हूँ, जहाँ ये मैंने क्या लिया है, लोकल स्टोरेज गेट आइटम, मतलब हाई स्कोर का जो भी वैल्यू है तो वो यहाँ पे लेंगे। अभी इनिशियल अगर वो हाई स्कोर अगर नल हुआ तो हाई स्कोर को पहले 0 पे सेट करने का, हाई स्कोर प्रिंट करके जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता जाएगा वैसे वैसे हम करेंगे। और अगर हाई स्कोर पहले से, मतलब हमने कुछ गेम खेल रखी है थोड़ी और हमारा कुछ हाई स्कोर सेट है, मतलब यूजर अगर पेज को रिफ्रेश किए बिना अगर वो कंटिन्यू गेम खेलता जाए तो हाई स्कोर जो है तो उसको वहां पे उसका हाई स्कोर डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे कि मैं कभी खेल के दिखाती हूँ आपको, भी ये देखिए मैंने अभी ये गेम खेला था तो मेरा हाई स्कोर जो है तो यहाँ पे 12 आ रहा है और स्कोर मेरा 0 है। मैं जैसे ही ये गेम प्ले करती हूँ आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्कोर और हाई स्कोर जो है तो वो इंक्रीमेंट होता जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्कोर जो है तो हमारा इंक्रीमेंट होता जा रहा है, और ये हमारा ये
इस आप देख रहे हो ये गेम ओवर हो गया, तो 7 पे हमारा गेम ओवर हो गया। ओके और अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए फिर से स्कोर जो है तो आई होप आज के लेक्चर में सिखाए हुए सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी यू कैन पुट योर क्वेश्चंस इन द Q&A सेक्शन। थैंक यू।